अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, मैं क्या आप लोगों से एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी, करिए करिए जी, बिल्कुल बेशक। आज का हमारा सवाल है कि रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के रोज़े की नियत, क्या एक नियत काफ़ी है सारे महीने के लिए या रोज़ रोज़ नियत की तजदीद करना ज़रूरी है, क्या बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। रोज़ 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 हमको करना ज़रूरी है, हमारे को रमज़ान में जो भी हम रोज़े रह रहे, रोज़ हमको करना ज़रूरी है। रमज़ान का महीना है, तमाम मुसलमान कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते हैं। कुरान की तिलावत से हमारा ताल्लुक़ है आज के सवाल का, कि अगर आदमी कुरान की तिलावत कर रहा है तो सजदे वाली आयत अगर आ गई, सजदे तिलावत करने के लिए, क्या वज़ू से होना ज़रूरी है? नहीं, बग़ैर वज़ू के भी सजदा कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका जवाब सही है। नाज़रीन इकराम, आप लोग कमेंट्स में ये बताएं कि सजदे तिलावत के लिए क़िबला रुख होना ज़रूरी है या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।